नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सवज्ञाता लक्य नमो समय सार शिव भूप समय सार जिनराज हैं स्यादवाद जिनवेन मुद्रा जिन निर्गंथता नमो करें सब चैन वंदित सब सिद्धि धोम चल मनोम गदिम पते मोक्षाम समय पाहो मनमो सुई के बली भणितम। सबको लग रहा होगा क्या हुआ, क्या गलती हुई। दरअसल कुछ भी नहीं है, हम तो कह रहे ऐसा कैमरा बनाओ जिसमें हमारा फोटो आ जाए। आप हमें देह रूप देखते क्यों हैं? अपने को भी देह रूप मत देखो। मंदिर में चमड़ा छोड़ करके आते हैं, हम आपसे कहते चर्म दृष्टि को भी छोड़ करके आओ। आत्मार्थ साधने का लक्ष्य बनाओ भाई। दो दिन पहले कहा था, रोगी जैसे वैद्य के पास जाता है ऐसे हमें यहाँ आना है, खाली होकर के आना है। बात कुछ नहीं है, ये तो सामने की बात है। आजकल फोटो ये वाणी ये तो सब हमारी है भी नहीं, इसमें कुछ हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये अतिरेक हो गया और यहीं तक सीमित हो गई सारी बातें। धार्मिक क्षेत्र में भी फोटो का और इनका इतना दुरुपयोग है, कहीं गुच्छे में लगे हैं, कहीं कलम में लगे हैं, कहीं कहीं पड़े हैं, कहीं कुछ है। फोटो एक स्मृति के लिए होते हैं, उनका सदुपयोग हो वहां तक ठीक है, लेकिन क्या कहें। और सबसे सुंदर फोटो तो, सबसे सुंदर मुद्रा तो जिन मुद्रा है, जिन मुद्रा ही देखने योग्य है, जिन वचन ही सुनने योग्य हैं और जिन भावना ही भाने योग्य है। इसी से अपना कल्याण है। हम बैठे थे विचार कर रहे थे, देखो विषयानुराग रोकना भी बहुत पुरुषार्थ की बात है, तो धर्मानुराग को रोकना तो ये अनंत गुना पुरुषार्थ चाहिए, अनंत गुना पुरुषार्थ। राग की पूर्ति में पुरुषार्थ नहीं, राग के अभाव में पुरुषार्थ। मान लो हम नहीं भी आए तो अभी कोई ये मत समझो कि क्रोध हो गया, आ गए तो क्षमा हो गया, ये कोई बात नहीं है। क्षमा अलग चीज है और ये होना अलग चीज है। हम कहते ठीक है, आ गए बैठ गए प्रवचन हो गया, नहीं पंडित जी क्षमा कर दिया, ये कोई बात नहीं है। मुंडाज आहार के लिए गए, अंतराय हो गया, अब वो कहे क्षमा करो, क्षमा तो है लेकिन भोजन आहार तो नहीं होगा। तो नहीं होने पर भी ये कोई मापदंड नहीं है कि क्षमा नहीं होगा। थोड़ी सी एक व्यवस्था की दृष्टि से ये उठना बैठना है, नहीं तो क्या है, आज एक कल दो परसों तीन, सुनने में उपयोग खत्म, बाद बाकी यही सब चलने लगता है धीरे 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 धीरे, प्रदर्शन का मामला होता है और कुछ नहीं होता। हम कहते हैं भगवान की पूजा करते विधानों में, और वो सामने जब आता है तो उधर निगाह हो जाती है और फोटो हमारा आता है कि नहीं आता, क्या करें।
खुटियों की ओर जल्दी से पड़ती है। अरे ये सब बातें बाहर ही छोड़ दो, मंदिर तक कम से कम रहने ही दो। सच बात है, यहाँ भी अपने को देह से भिन्न नहीं देखेंगे तो देह से भिन्न कहाँ देखेंगे। अन्य काल क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में छूटता है, धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप कहाँ छूटेगा। तो पाप का मतलब मिथ्यात्व। यहाँ भी अगर अपन अन्य क्षेत्र में हम अपने को देह से देखते हैं, संयोग रूप देखते हैं, वह यहाँ छूटना चाहिए। यहाँ ही अपने को देह रूप ही देखते रहेंगे तो बताओ देह रूप देखना कहाँ छूटेगा। जिन पद नाय शरीर को, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय, यह जिन वर्णन नाय। एक आत्मार्थ का लक्ष्य बनाओ भाई, ये सब ठीक है, राके कार्य हैं, मेरे कार्य नहीं है। यही तो गाथाएं चल रही हैं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधाधिक भाव नहीं है, और क्रोधाधिक भाव में है, क्रोधाधिक भाव उपयोग में नहीं है, नहीं है। जो मानते हैं उनके भी नहीं है, नहीं मानते हैं उनके तो नहीं है, लेकिन जो मानते हैं कि उपयोग में क्रोधाधिक भाव है। कितनी बार ये आप की चर्चाएं चलती हैं, विचारों में आता, आज क्या बताएं, जरा वो ऐसा हो गया, उपयोग खराब हो गया। हम आपसे फिर कह रहे हैं उपयोग कभी खराब होता ही नहीं है, उपयोग में खराबी झलकती है। उपयोग खराब होता ही नहीं है, जो खराब हो सो उपयोग कैसा होगा। उपयोग एक तरह का दर्पण है, यद विद्या दर्पण आए थे, दर्पण पर यहाँ रखी हुई मट्टी धूल झलकती है, लेकिन दर्पण पर एक मिट्टी का लेप लगा दिया जाए तो वह भी झलकता ही तो है, भीतर प्रवेश कहाँ होता है। यद्यपि वह लेप लगा हुआ दर्पण हमें हमारा चेहरा देखने में निमित्त नहीं बनता, लेकिन फिर भी वह धूल दर्पण में झलकती है, दर्पण में प्रविष्ट नहीं होती, दर्पण मलिन होने की कोई विधि नहीं है। कोयला दर्पण को काला नहीं कर सकता, अग्नि दर्पण को गर्म नहीं करती, पानी दर्पण को गीला नहीं करता, ये सब दर्पण में झलकते हैं। जब जड़ दर्पण का भी यह स्वरूप है तो ज्ञान दर्पण तो कोई अलौकिक है भाई। ज्ञान में गेयों का प्रवेश नहीं है, गेय में अन्य द्रव्य भी हैं और ये अन्य भाव भी गेय ही हैं, और वे गेय अन्य गेय हैं, ये बात यहाँ कही जा रही है। अनादिकाल से ये जीव देह और अपने को मिला करके एक मेक अनुभव करता रहा, मानता रहा, और धर्म के लिए सुख के लिए नाना प्रकार की देहाश्रित क्रियाएं करी। आप बताओ क्या करें, कल से दर्शन करने का हम नियम ही लेते हैं, पूजा करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आप कौसो दान पुण्य करेंगे, दान पुण्य के भी हाल कैसे हो गए। कल एक चर्चा आ गई, हमने जब कहा इतनी मूर्तियों की भाई जरूरत नहीं है, बोले पैसा नहीं देते लोग बिना मूर्तियों के, मूर्तियों के नाम से हाल दे देते हैं। भाई ऐसे देने वालों का ईमानदारी से लेना भी नहीं चाहिए, हम तो ये कहेंगे। दान मान के लिए नहीं होता, दान धन के लिए होता है। एक भाई बीमार है, उसे तुम पूड़ियां खिलाओगे कि औषधि दोगे, क्यों भाई। नहीं साहब, पूड़ियां खिलाएंगे हम, ये कोई बात है, खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ, या हम नहीं खाएंगे, हमें बीमार नहीं होना। दान तो हाथ जोड़ करके देने की चीज है, विवेक पूर्वक देने की चीज है, हाथ जुड़वा करके देने की नहीं है।
देने वालों को भी ये बात सोचना चाहिए भली प्रकार से कि कहाँ किसकी जरूरत है। जहाँ मूर्ति की जरूरत है वहाँ मूर्ति देंगे, जहाँ बेदी की जरूरत है वहाँ बेदी देंगे, जहाँ स्वाध्याय भवन की जरूरत है वहाँ स्वाध्याय भवन बनाएंगे कि नहीं साहब उसमें नहीं देंगे हम। और यहाँ भी हम साहब ये पत्थर बनाने में तो लगाने में दे देंगे और नींव भरने में कौन देगा। जमीन की जरूरत होगी तो जमीन के लिए देंगे, नीम के लिए होगी तो नीम के लिए देंगे। क्यों? हमारा ज्ञान का अभिप्राय तो अनुग्रहार्थम स्वस्या सर्वोदानम, मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए हमें दान देना है। दान कहाँ क्या जरूरत है ये सोचेंगे, और इस बात की आवश्यकता को भली प्रकार से समझना चाहिए और समझाना चाहिए। घबराना नहीं, ये योजना बन गई सेठी जी कल कह रहे थे वो ठीक है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं भाई के अब इनकी जरूरत नहीं है, जिनकी जरूरत है उनके लिए आपको सोचना चाहिए। यहाँ इसलिए कह रहे हैं देने वाले है कौन, है कौन ये बताओ। हम और आप इतना सुनने पढ़ने के बाद भी हम मूर्ति के लिए दे रहे हैं, अब मूर्ति समझाएगा कौन, मूर्ति क्या कह रही है ये बताओ। उस मूर्ति के पुजारी पूजा कौन करेगा मूर्ति को। चैतन्य मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए आप जागृत हो जाएगी। न धर्मो धर्मे के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। कल कही थी दो तीन बातें, विद्वान ढूंढो नहीं विद्वान बनो। खुद बनना नहीं चाहेंगे और बच्चों को बनाना नहीं चाहेंगे। अब पैसा से ढूंढो तो पैसा से कैसे मिलेंगे, और पैसा के लिए मिलेंगे भी तो पैसे ही पर नजर होगी तो कैसे वो विद्वत्ता करेंगे, कैसे धर्म की प्रभावना करेंगे। पैसा की तो ऐसी दशा है कि श्रावकों को गुणग्राही होना चाहिए और विद्वानों को निष्प्रही होना चाहिए। विद्वानों को आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, आत्मार्थ साधना चाहिए, धर्म प्रभावना के बारे में सोचना चाहिए, और श्रावकों को धर्मात्माओं की रक्षा अपने शरीर के समान करना चाहिए। कभी कभी ऐसी चर्चाएं आ जाती हैं, अभी विषय तो यहाँ अभी रुकेगा। कभी कभी ऐसी चर्चाएं आ जाती हैं, कोई जरूरत हो तो मांग लेना। हमने कहा आप कभी पात्र दान तो कर ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, ध्यान रखना, क्योंकि पात्र अयाचक होते हैं। एक बात बताओ, जब आपके घर में आपकी लड़की की बारात आती है तो आप कहते हैं जरूरत हो तो मांग लेना, क्या अपनी बुद्धि लगाते हैं, क्या करते हो आप, मंगवाना चाहते हैं आप? क्या सम्मान का अर्थ यही है कि पीछे से पैकेट कर दो, यही सम्मान है? औपचारिकता है, ये प्रदर्शन है, सच पूछो तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये वात्सल्य अंग नहीं है। ये वात्सल्य अंग नहीं है। एक बात है, थाली खाली रख दे वे और कहे मांग लेना, अरे थाली में भोजन परोस दे वे और बड़े स्नेह से फिर कहे भैया कोई नमक मक्कम हो तो मांग लेना, यार कह देना चलो चलेगी। लेकिन खाली थाली रख दे जरूरत हो तो मांग लेना, क्या कर रहे हो, कौन मांगेगा, मांगने वाले बहुत हैं तो इनको दे देना। हम इसलिए कह रहे हैं ये बातें, ये आदतें, ये सोच हमें बदलना चाहिए। हम फिर आपसे कह रहे हैं दोष निकालने के लिए बैठे हैं हम यहाँ, गुण तो आपके भीतर है। दोष होते हुए भी आपका स्वरूप दोष रूप नहीं है,
गुणों की खान है आप, गुणों का समूह है। ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, श्रद्धान ज्ञायक के आश्रय से होता है, चारित्र भी ज्ञायक के आश्रय से होता है। आप अपने को ज्ञायक देखें और सर्व जीवों को भी ज्ञायक देखें, वितरागता होगी, वितरागता आएगी आपकी। लेकिन वितराग दृष्टि प्रकट होने पर भी वितराग दशा एक साथ नहीं होती, बीच में इस प्रकार के भाव आते हैं। विचार करो, विश्रावक कैसे होते होंगे, जंगल से मुनिराज आए और उन्हें आहार देना है, आहार के ही साथ औषधि देनी है, ना वे नाड़ी दिखाएंगे ना कुछ कहेंगे कल तबीयत खराब हो गई थी, क्या होता होगा कैसे करने में। ये कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं है, दान पूजा स्वाध्याय भक्ति ये कोई रूढ़ी की क्रियाएं नहीं है, ये मुख्य मार्ग की नैमित्त क्रियाएं हैं। पंडित टोटरमल जी ने ही सम्यक ज्ञान चंद्र का पीठिका में एक चर्चा, सब कार्य धन से सिद्ध होते हैं। क्या चार विद्वान बुला लो, अभी पैसा हो पास मंदिर बना लो, चाहे कुछ करो, सब काम धन से होते हैं। इसलिए पहले धन का अर्जन करना चाहिए, ये सब बात की बात है। प्रसंग क्या है, अर्थ का पक्षपाती, ध्यान रखना अर्थ होना अलग बात है, अर्थ होना अलग बात है, अर्थ का पक्ष होना अलग बात है। सम्यक ज्ञानी जीवों को भी कितना वैभव होता है पता नहीं, चक्रवर्ती के वैभव हो, इंद्रादिक के वैभव हो, तीर्थंकरों को कैसा वैभव है समोषणादिक का, बाहर के वैभव की बात है, लेकिन अर्थ का पक्ष नहीं होता। ज्ञानियों को व्यवहार होता है, व्यवहार का पक्ष नहीं, निश्चय होता है, निश्चय का पक्ष नहीं, आचरण होता है लेकिन क्रिया का पक्ष नहीं, ज्ञान अभ्यास होता है, ज्ञान होता है लेकिन ज्ञान का पक्ष नहीं। जहाँ लक्ष्य है वहाँ पक्ष नहीं, और जब तक पक्ष में अटकता है तब तक ये जीव को अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं होता। तो अर्थ का पक्षपाती कह रहा है, तो पंडित जी ने उत्तर कहाँ से शुरू किया मालूम है, रे पापी रे तुम्हारा, पुण्य के उदय से अर्थ होता है लेकिन अर्थ का पक्षपाती पापी कहा। क्या मतलब, अर्थ से अपने को बड़ा मानना, अर्थ से अपने प्रयोजन की सिद्धि मानना, अर्थ से ही सारे कार्य होते मानना, ये मिथ्यात्व है। अर्थ संबंधी धन संबंधी ये मिथ्यात्व है। अर्थ का पक्षपाती को कहा, रे पापी धन तेरे कमाने से भी नहीं आता, धन आता है पुण्य के उदय से। उद्यम तो करना चाहिए का मतलब क्या है, दुकान खोलना चाहिए, ये धन कमाने का उद्यम नहीं है। धन कमाने का उद्यम ये है, क्या कहें भाई, अपने आत्म धन को पहचानो, जगत के धन को निस्सार जानो, धूल जानो, और उस वैभव की कामना छोड़ो, उससे बंधने वाले पुण्य से ये बाहर का अर्थ अपने आप आता है, पुण्य के उदय से। और जब तक धन का त्याग नहीं हुआ, उत्तम पुरुष तो वे हैं जो धन का त्याग करके अपनी आराधना में लगते हैं, और मध्यम पुरुष वे हैं जो इस धन का धर्म की प्रभावना में, साधर्मियों के स्थितिकरण में, जिन मंदिरों के धर्मायतनों के जीर्णोद्धार में, जहाँ नवीन जरूरत है वहाँ नवीन निर्माण में, उन्नति में, वृद्धि में, दीन दुखियों के उपकार में, उदारता पूर्वक निष्प्रय भाव से, विनय भाव से, सहज भाव से खर्च करते हैं मध्यम पुरुष। आंखें आपको मिली हैं, देखना सीखो, अनदेखी मत करो, जहाँ जो जरूरत है समझना सीखो, कान आपके मिले हैं सुनना सीखो, है जोर से सुनवाना मत सीखो, ये कोशिश मत करो एक बात को 10-5 बार कहा जाए, अच्छी बात नहीं है। कान बड़ी दुर्लभता से मिले हैं, आंख बड़ी दुर्लभता से मिले हैं, अनंत अनंत जीव ऐसे हैं
जिन्हें आंख नहीं मिली है, कान नहीं मिले, जिभ्या नहीं मिली है, अनंत आनंद जी दुर्लभ लई जो चिंता मणि। फिर मनुष्य पर्याय और ये सेवक बना और यहाँ आकर के बैठना, ये पिछली बार चर्चा की थी। लोग कहते ना कुछ लाए ना ले जाएंगे, झूठ बोलते हैं। बहुत पुण्य लेकर के आए तब यहाँ बैठे, हर एक आदमी नहीं बैठ सकता यहाँ, हर एक की दम नहीं है। अरे एक भी विषय कसाय अगर तीव्र हो जाए तो यहाँ बैठ नहीं पाओगे, और बैठे बैठे यहाँ नहीं बैठ पाओगे। अभी कितने लोगों को चल रहा होगा, यहाँ बैठे बैठे उठ गए होंगे। क्या होगा ऐसे पंडित जी, समझ में नहीं आती, यह हमें क्या होगा, हमें मालूम है ना सब। क्या हो रेड़ बिन चली गई, एक कसाय अगर तीव्र हो जाए, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो। लोभ में धन का ही नहीं, विषयों का लोभ भी है, अपमान का अनुभवन होता है। अरे हमसे ऐसे गई, बैठ नहीं पाएंगे अपन। एक भी विषय का अगर तीव्रता हो जाए, लक्ष्य वो चला जाए, तो यहाँ बैठे हुए भी नहीं बैठ पाएंगे, देह यहीं बैठी रहेगी लिहाज से, और हम यहाँ से जन कहाँ पहुंच जाएंगे। और अगर तीव्र हो गई तो देह भी उठ जाएगी। सच्ची बात है, विषय कषायों की बहुत मंदता हो तब यहाँ बैठ पाते हैं, बहुत पुण्य का उदय हो और बहुत विशुद्धि हो तब ये जिन शासन के श्रवण का योग बनता है, भगवान के दर्शन का योग बनता है। नहीं तो यहाँ आकर के भी भगवान देखते थोड़ेंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है, अगर होता हो किसी के तो भाई ये मत सोच लेना हमसे ही कह रहे हैं, अरे यही सोचना हमसे कह रहे हैं दूर करने के लिए। नहीं होता हो तो जबरन ये मत सोचना ये काय को कह रहे हैं। अगर हमने ये वेदी बनवाई तो हमको ये अलग से कुछ लगता है, अगर दूसरी वेदी है तो अलग से लगता है, ये भेद क्यों पड़ता है। अभी तुम्हारी ही बनी रही, हमने अगर मूर्ति विराजमान करी तो ऐसा लगता है हमारी मूर्ति अलग से। अरे भाई अभी भी तुम्हें अपनी ही लगती है, कैसी बातें कर रहे हो। अपनी तो हमें लग रही है, सच पूछो तो ये हमारी मूर्ति है, सच्ची बात है, हमें हमारे स्वरूप को दर्शाने वाली है, ये हमारी मूर्ति है, ये हमारा तीर्थ है, यहाँ हम अपने स्वरूप को लक्ष्य करें बार बार। फिर भय सो तिर गए अथिर तिरे कौन आए, तीरथ तीरथ क्या फिरे, तीरथ तो घट मार। ऐसा लगता है हमारी, फिर बार बार ये उपयोग जाता है। तात्पर्य समझ गए कुछ, जहाँ एक भी कसाय की तीव्रता हो तो यहाँ खड़े हुए हम भगवान को नहीं देख पाते। संयोग दृष्टि से देखें, अगर अपने राग की दृष्टि से देखें तो भगवान भगवान नहीं दिखते। अगर किसी के पाप का उदय हो और यहाँ आया कुछ मनोकामना भीतर में लेकर और पूरी त्री नहीं हुई तो उसे कैसा लगने लगता है। सच्ची बात है, ऐसी कोई सभा थी एक दिन, जब हमने अनंत भक्ति का स्वरूप लिया है, लोग कहने लगे, एक जने बोले महाराज हम तो ये सोच रहे थे ये मूर्तियां खोखली हो गई, इनमें कछु है ही नहीं, कछु देवी देवता और ही लोग कामना पूर्ति करते होंगे। आप तो कह रहे हो ये वितराग सर्वज्ञ होते हुए भी जगत का हित करने में समर्थ है। अरे भगवंतों के दर्शन से भक्ति से वैभव की चाह मिटती है और वैभव चरणों में लौटता है, लेकिन चाह मिटने वाली बात पहले पकड़ने लायक है। किसी को पाप के उदय से नहीं भी मिला ये कोई नियामक कारण नहीं है। कोई आत्म ध्यान कर रहे होंगे तो उस समय कोई देवता उपसर करने आ ही आएगा, ये नियामक कारण मत बनाना। और अगर कोई देवता तुम्हारा सहाय करने ना आए तो तुम ये मत सोच लेना ये तो बेकार, कोई मतलब नहीं निकला। भगवंतों की भक्ति का फल
आत्म शांतता है। बीच में जो पुण्य आया उस पुण्य के उदय से वैभव मिले, बीच में कोई पाप का उदय आया नहीं भी दिखे तो नहीं दिखे, इसमें क्या करेंगे। टूटो मल जी ने कहा ना, जैसे कोई धनी गुरु का धन है उसके पास, गुरु का धन है, और लड़का कुसंग में पड़ करके बर्बादी में लगा है तो अभी उसके पास धन दिखाई दे रहा है। एक सदाचारी बालक, विवेकी बालक, कर्जा ले लेकर के पढ़ा था, उसने जब अपना व्यापार या अपनी सर्विस संभाली, बहुत पैसा आ रहा उसके पास, लेकिन वो पहले कर्जा चुकाता है तो उसको दिखाई अभी कुछ नहीं दे रहा। अरे पैसा हो तो पहले कर्जा चुकाओगे क्या, पहले बिल्डिंग बनाओगे कि शान शौकत पूरी करोगे, ये तो अविवेक के काम है, कर्जा चुकाने की बात पहली है तो कर्जा उसके पास कुछ नहीं दिखाई देता। टोटामल जी कहते कमाना तो धन का ही कारण है, जो उसको नहीं दिखाई दे रहा वो पूर्व का कर्ज है, और उसका जो व्यसन है बर्बादी वो तो निर्धनता का कारण है, धन दिखाई दे रहा है वो पूर्व का है। ऐसे मंगलाचरण तो मंगलमय परमेश्वरी भगवान की भक्ति, व्यवहार मंगलाचरण और मंगलमय स्वरूप की दृष्टि, ये परमार्थ मंगलाचरण। मंगलमय स्वरूप की दृष्टि, मंगलमय स्वरूप की निर्विकल्प भावना वह परमार्थ मंगलाचरण, और मंगलमय परमेश्वरी भगवान का स्मरण भक्ति मंगलमय दशा की प्राप्ति की भावना के लिए, ये व्यवहार मंगलाचरण है। होना अलग बात है, उसका पक्ष होना अलग बात है। धन नहीं छुड़ाने की बात कही, धन को हम निंदा नहीं कर रहे हैं, धन के पक्ष की निंदा कर रहे, पक्षपात छुड़ाते, विवेक सिखाते हैं। धन तेरे कमाने से नहीं आता, पुण्य से आता है। तो ये बता, जब तू स्वाध्याय भक्ति में लगेगा तो धन स्वयमेव आएगा। और तूने कहा धन से सारे कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है। ये मंदिर पैसा से बने हैं, पैसा से नहीं बने हैं, पैसा के त्याग से बने हैं। जिन्होंने आत्मा को थोड़ा सा विचार में लिया है, धर्म थोड़ा सा सुना पड़ा है, उनको जगत का वैभव निस्सार देखा, तो उनको ये भाव आया कि ये यहाँ लगाए हम। चक्रवर्ती को ये भाव आया, मंदिर पहले कहाँ बने थे पुराण के हिसाब से, चक्रवर्ती भरत ने बनाए थे, ये पुण्य का वैभव हम कहाँ लगाए, जिन मंदिरों में लगाए। धन के त्याग से मंदिर बने हैं, धन से नहीं। जो धन को ही सर्वस्व समझते हैं वे मंदिर क्या बनाएंगे बेचारे। जहाँ मन मिले वहाँ खर्च नहीं करना, जहाँ मन छूटे वहाँ खर्च करना, जहाँ लोभ की पूर्ति हो वहाँ खर्च नहीं करना, जहाँ लोभ छूटे वहाँ खर्च करना। मुंडाय को आहार दान देते हैं, सच पूछो तो अनाहारी दशा की भावना बहाते हैं, आहार के प्रयोजन को समझते हैं, वो शिक्षा व्रत है। हम आहार दान उन्हें नहीं दे रहे, उनसे आहार किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, अथवा करते हुए भी नहीं किया जाता है, समझ गए। भरती स्वयं में चर्चा आई, भरत महाराज उस सोधे हुए आहार को मुंडाज के आहार अंजलि में रख रहे, मुंडाज थे सोध रहे, बहुत बहमी है, सबको विश्वास ही नहीं है, बहमी नहीं है, अपना कार्य पर के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने अपना कार्य किया, हम अपना कार्य कर रहे, ये संयम की पालना है। ये पर नौकरों के भरोसे नहीं होता, पर दूसरों के भरोसे नहीं होता, ये संयम का कार्य। और भरत महाराज ने मुनिराज के अंजलि में रखा, और मुनिराज उस आहार को देह को दे रहे हैं, ये बात समझने की है कि देह और मानव वे कह रहे हैं, ले भाई तू हमारे संयम में सहायक निमित्त तो बने देना, और स्वयं ज्ञानमय आहार में तृप्त होते हैं। ये अगर मुंडाजों का आहार ही विधान न हो तो बताओ उन वनवासी संतों के हमें कैसे योग बने यहाँ नगर में, और कैसे ये जिन उपदेश मिले, कैसे सीखने का अवसर मिले। इसलिए ये देने की बातें छोड़ना चाहिए, सीखने की बात लेना चाहिए। ये भगवान सीखने के लिए हैं, शिक्षा व्रत है। पूजा, पूजा क्या है,
शिक्षा व्रत है, मैंने यहाँ सीखना चाहिए खड़े होकर। धन के त्याग से बनते हैं, और धन का त्याग कब होता है? त्याग से भी नहीं, विषयों के लिए तो धन पानी की तरह बहा देता है, त्याग छोड़ देता है जड़ से। इतनी महंगी महंगी लोग सिलाइयां दे देते हैं, चाहे जैसी पैसा खरे, ऐसा लगता है क्या हो गया इनको, बावरे हो गए। एक एक दिन की विवाह शादियों के डेकोरेशन में लाखों रुपए बर्बाद कर देंगे। अरे भाई, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, पुण्य को बर्बाद मत करो। पुण्य का उदय आपको है, ये आपके पास बहुत है, तो आप धर्मायतनों की वृद्धि में करो, दीन दुखियों के उपकार में लगाओ। ऐसा नहीं है, चाहे कहीं खर्च करो। विषयों में खर्च करना कैसा है, पाप बंध का कारण है कि नहीं? यहां खर्च करना कैसा है, पुण्यबंध का कारण है? धर्म धर्मायतनों में खर्च करना कैसा है, ये पुण्यबंध का कारण है? और धन से भेद ज्ञान करके अपने में संतुष्ट होना, ये निर्बंध का कारण है। आगे फिर चर्चा आई, धन तुम्हारे कमाने से नहीं आता। एक बात तुमने कहा, सब कार्य धन से सिद्ध होते नहीं, भोग सामग्री धन से नहीं मिलती, पुण्य उदय हो तो बिना धन के मिलती है, और पुण्य उदय नहीं हो तो धन से भी नहीं मिलती। अलग अलग प्रकार के पुण्य हैं। जंगल में आपकी गाड़ी खराब हो गई और आपके पास अटैची भरी है नोटों की, क्या करोगे, क्या मिलेगा? पानी ढूंढो पैसा से। बड़े बड़े शहरों में आप जाओ, पैसा ले जाओ, ढूंढो तो आठ पैरा घी मिल जाए कहीं दुकान पर किसी पर। हर कह भाई 500 रुपए किलो दे देना, कह देना कह देना, नहीं मिलेगा ना आपको। डॉक्टर नहीं मिला तो नहीं मिला, औषधि नहीं मिले तो नहीं मिले, एक समय नहीं मिले तो नहीं मिले। क्या होता है धन? धन धन है, धन से धन का कार्य होता है, माने धन का परिणाम धन में होता है, धन से सारे कार्य नहीं होते। धनवंतों के निकट ही बड़े बड़े हैं, विद्वान आदि भी आ जाते हैं। कितनी सुंदर पंडित जी ने बात कही, अरे तुम्हारा पंडित जी तो पंडित जी थे। लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान हो, वहां ऐसा होता है। आपको याद है सिकंदर ने कहा मुनराज को बुलाओ, तो चंद्रगुप्त ने कहा महाराज वे नहीं आते दरबार में, क्योंकि जो हमारे पास है वे तो वे पहले ही छोड़ गए, उनकी उन्हें गरज नहीं है। जब हमें आत्म शांति के लिए कुछ विकल्प होता है तो हम उनके पास जाते, वे हमारे पास नहीं आते। अभिमान की बात नहीं है, स्वाभिमान की बात है, वेद ज्ञान की बात है, निष्प्रयता की बात है। अभिमान से नहीं आते, या कह देना सेठ होंगे अपने घर के, ये बात नहीं है, ये बात नहीं कह रहे हैं। बात तो वेद ज्ञान की है, अभिमान की है, विनय की है, सच्ची बात है। एक दिन हम जा रहे थे भोजन करने, तो कोई चीज की जरूरत, हम किसी दुकान पर गए थे, खड़े हो गए, जैसे वो बूढ़ा आदमी हाथ जोड़े, आप क्यों खड़े हो गए? हमने कहा हमने जा रहे थे, हम लेते जाए। बोले नहीं, आप वहीं से भेज दीजिए, वहीं पहुंचा देंगे, आप तो जाओ, आप तो जाओ, वहीं पहुंचा देंगे। यहाँ नहीं, सच्ची बात है, चालीस साल पहले की बातें हैं जी। आप यहाँ क्यों आओ? लोभी पंडित और अविवेकी धनवान ने अर्थ में कहा, धन के अभिप्राय से नहीं जाना चाहिए। रोटामल जी ने आजीविका का निषेध किया, और सदासुखदास जी ने कहा आजीविका लगा देना चाहिए इनकी। परस्पर में खूब विरोध है, क्या विरोध नहीं है? विदिक्षा भेद है, अभिप्राय को समझना चाहिए। लौकिक प्रयोजन को लक्ष्य लेकर के हमें धर्म कार्य नहीं करना चाहिए।
आजीविका के लिए भी नहीं करना चाहिए, ख्याति लाभ के लिए भी नहीं करना चाहिए, पंच इंद्री के भोगों के लिए भी नहीं करना चाहिए। खाली पैसे के लिए नहीं, अपने को मानने पुजवाने के लिए अलग से हमारी व्यवस्था बनी जाए, हमें पूछे बताएं, इसके लिए भी ये धर्म कार्य नहीं करना चाहिए। टोटरमल जी का अभिप्राय का निषेध है यहाँ। प्रसंग भी कौन सा है, सिद्धांत की विपरीतता का तो निषेध कर रहे हैं ना। कपट से आजीविका आदि का प्रयोजन विचार करके, प्रयोजन विचार कर लिखा है, और उसी प्रसंग में क्या लिखा, साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं और कराते भी हैं, ऐसा नहीं, आप विनय पूर्वक देते हैं और लेने वाले लेते भी हैं, लेना भी पाप नहीं है और देना भी पाप नहीं है, लेकिन अभिमान से देना पाप है और दीनता से लेना भी पाप है। साध साध करके लेने की वृत्ति नहीं होना चाहिए और हाथ जोड़वा करके बेर बेर मनवा मनवा करके देने की वृत्ति छोड़ देना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, अब क्या कहें हम, जिसका लगना उसका लगेगा, जब लगना तब लगेगा, जितना लगना उतना लगेगा और जैसे लगना वैसे लगेगा। भगवान के ज्ञान में हम और आप होते कौन है विकल्प करने वाले। हमने तो धर्म की परम क्षेत्र में भी ये देखा है, गांव में लोग हैं अटारी का एक मंदिर बना लेते छोटा सा, कहीं चंदा करने नहीं जाते थे, हमारी शक्ति नहीं है तो ठीक है, हमें भगवान के दर्शन करने ले आए, भगवान वहां रख लिया अपने विराजमान, जय जय नाथ परम गुरु, तब जीवन में शांतता आती थी, तब जीवन में सादगी और संतोष रहता था। जरूरत क्या है हमें इस पठान की, जिन्हें जरूरत हो तो करेंगे अपने, सुनना है बैठो जंगल में, धूप लगती है ढकती है तो तुम छाया करो, तुम जाना तुम्हारा काम जाना, हमें क्या लेना देना। सच्ची बात है ये, झूठी नहीं है। वृत्ति को समेटो, आत्मा का हित छूटने में है, आत्मा का हित छूटने में है भाई। लोभी पंडित हो और अविवेकी धनवान, ये अविवेक करी रही, हम किसको झुकाना चाह रहे, किससे मंगवाना चाह रहे, किसको क्या करना चाह रहे, क्या है वो। धर्म और धन का क्या है, क्या ये एक आत्मा के परिणाम को मलिन करने का निमित्त है और एक धर्मात्मा धर्म के परिणाम को, क्या नाम, परिणाम को निर्मल करने का निमित्त है। समाधि मन में आया ना, ये है मोह बड़ावन हारे जी को दुर्गति दाता, किधर इशारा है, कुटुम्बी परिवार जनों की तरह, अब इधर इशारा करो, ये है मोह घटावन हारे जी को सुभगति दाता, कौन, वितरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु, साधर्मी जन, ये है मोह घटावन हारे जी को सुभगति दाता, शुभ गति ध्यान रखना, और यहाँ है, ये है मोह मिटावन हारा जी को शिव गति दाता, इधर देखते हैं तो मोह, ये मोह बढ़ाने के निमित्त है, ये मोह घटाने का निमित्त है, और मोह के मिटने में निमित्त की क्या जरूरत पड़ेगी, स्वरूप को समझे तो मोह मिटता है। अरे भाई, निस्वभाव साधन के द्वारा धर्म की आराधना की है, आत्मा की आराधना की है, और उस उन आराधकों के द्वारा ही जिन धर्म की प्रभावना हुई है, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किन के द्वारा हुआ, वितरागियों के द्वारा, पहले वितरागी सर्वज्ञ, फिर तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। निमित्त स्वयमेव मिलते हैं, मिलाने पड़ते नहीं है, निमित्तों की ओर देखने से मोक्ष मार्ग के मिले हुए निमित्त भी हमारे बेकार चले जाते हैं, उनका उपयोग नहीं कर पाता, निमित्तों के भरोसे बैठे रहे, निमित्तों की ओर देखते रहे। मतलब ये है निष्प्रहित तो अपने आत्मस्वरूप को सारते हैं, प्राण औषध असन पान इत्यादि प्राण जाए पर याचत नाहीं,
आत्मलीन विरक्त देश जैन यति निज नेम नेवाय करेन मलिन धर्म परछाई। कैसी कैसी वाक्य लिखे कि महाराज ये तो मुनराजों की बात है कि सच्ची बात है। मुनराजों की प्रवृत्ति में ऐसा होता है लेकिन ज्ञानी श्रावकों की भी दृष्टि में ऐसा होता है। श्रावकों की भी दृष्टि में यही होता है, लक्ष्य यही होता है। राग होने पर भी राग में उपादेयता नहीं होती ज्ञानियों को। वितरागता अभी पूर्ण नहीं है फिर भी वितरागता की ही भावना होती है। स्वरूप में उपयोग नहीं ठहर पाता तो अभी स्वरूप की ही लगन रहती है। बाहर में उपयोग जाता है तो अभी वहां से हटाते हैं। इसी का नाम साधना है। विवेक धन के अधीन नहीं, धन के सेवक नहीं, धन के स्वामी बनो। स्वामी बनो भाई, व्यवहार की बात लिए है। माने धन हमारे लिए नहीं है, हम धन के लिए हैं, ऐसा सोच लिया आपने, ऐसा मत सोचो। हमारे लिए धन, धन के लिए हम नहीं भाई। अपना हित पहले साधो, अपना हित पहले साधो। अगर आपके पास, हम फिर कह रहे हैं कि अगर अपने लायक है तो नवीन कमाने की उलझन में मत पड़ो, आत्मार्थ साधो। बहुत दुर्लभ समय है, बहुत दुर्लभ जीवन है। पहले समर फिर निर्जरा है। पूज्य पाठ स्वामी कहते हैं धन दानादिक के लिए भी जो धन संचय करता है, दानादिक के लिए भी धन संचय करता है, वह स्नान के लिए कीचड़ से शरीर को लपेटता है। हम बैठे रहे, हमने कहा ये क्या लिखा है, दानादिक के लिए भी, तो भोगों के लिए जो संचय करता है उसकी क्या दशा होगी। जो भोगों के लिए धन संचय करता हो उसकी क्या दशा होगी। दानादिक के लिए भी धन संचय करता है तो फिर उसके लिए ये कहा कीचड़ से लपेटना चाहते हो। अरे कीचड़ लग जाए तो स्नान करने लायक है, स्नान के लिए कीचड़ लगाने लायक नहीं है। पुण्य उदय से धन वैभव हो तो उलीच करके खर्च करने लायक है। विवेक पूर्वक ध्यान रखना, दुष्म काल है। तली प्रभावात कलुषा सहस्य जनेश मिथ्या मद वास्तेषु, बिना एकांत की पूजा की जयमाल में है। कली काल है, लोगों की आशय कलुषित है, इसलिए किससे कितना संपर्क रखना, किससे कितना लेना, कितना किससे देना, कितना कहाँ करना, कहाँ बैठना, कहाँ उठना, किसकी संगति, ये बहुत विवेक का कार्य है। कदम कदम पर ठगाने की बात है। जाग जाग रे भाई तो या चोरन को डर है, विषय चोर बहुत फिरत है। प्रवचन सार जी में कहा विषय कसाय पाप है, तो विषय कसाय में लीन जीव निस्तारक कैसे हो सकते हैं। तो ये तिरना है विश्व से, भाव समुद्र से। हमें नहीं चाहिए मान प्रतिष्ठा, हमें नहीं चाहिए विषय, हमें नहीं चाहिए इंद्रादि पद, हमें तो एक आत्मा में कोष तो नहीं। थोड़ा सा विचार बदलना चाहिए, ये बहुत पुरुषार्थ है विचारों के बदलने में। तत्व विचार में ही तो पुरुषार्थ लगा पूरा का पूरा। आज भी हमारी दशा कैसी रहती है, ऐसे धार्मिक आयोजनों में भी हमारा उपयोग व्यवस्थाओं में ज्यादा रहता। अरे हम कहते कोई व्यवस्था नहीं, अगर थोड़ी भी भोजन वोजन में गड़बड़ हो जाए कोई व्यवस्था नहीं, बेकार हो करके देखो तब पता पड़े। व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी और मजबूरी थोड़ी समझना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे उदय प्रमाण होगी, हमारी व्यवस्था हमारे उदय प्रमाण होगी। हैं, तुम्हारे उदय से ज्यादा व्यवस्था कौन कर सकता है, ये बताओ। और अगर थोड़ी सी व्यवस्था, अरे बहुत बढ़िया, सवेरे से चाय, दोपहर में नाश्ता और भोजन आनंद, सवेरे से चाय तो बनती कब होगी, बात है हमें कब मतलब, रात भर बने चाहे दिन भर बने, बात है हमें को मतलब। बहुत अच्छी व्यवस्था, अब काय के गीत गा रहे तुम, समझ में नहीं आ रही। सवेरे से भगवान का दर्शन पूजन स्वाध्याय, ताके बाद भोजन की बात आती है, सवेरे से नमस्कार।
जिन्हें जो लेना हो सो ले, खाओ ना खाओ। गाय की प्रशंसा कर रहे भाई, लौकांतिक देव आते हैं जब गाय की प्रशंसा करते, अरे हम तो पहले आए नहीं थे, इतना सुंदर रूप, ये नहीं कहते, इतनी सुंदर वाणी, ये नहीं कहते, ओ आपके वैराग्य को धन्य है भाई। ज्ञान वैराग्य ही प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय शब्द का संस्कृत शब्द क्या है, सम्यक, सम्यक का अर्थ प्रशंसनीय होता है। इसका मतलब है आत्मदर्शन प्रशंसनीय है, आत्मज्ञान प्रशंसनीय है, आत्मलीनता प्रशंसनीय है, ज्ञान वैराग्य प्रशंसनीय है। इंद्री सुख पंचेंद्री के विषय भोग सामग्री परिग्रह, ये कोई प्रशंसनीय नहीं, निंदनीय है। द्वेष से नहीं, द्वेष से निंदा करने की बात नहीं है। वो लोमड़ी नहीं पहुंची सो अंगूर खट्टे कहने लगी, ऐसा मत सोचे, ये कोई शैली नहीं है। विवेक पूर्वक निंदा नहीं करने की बात, निंदा मने उसे हेय समझना, कब छूटे ये सोचना, हम यहां से कब छूटे हैं, कब निकले हैं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादिक नहीं है और न हो सकते हैं। उपयोग में क्रोधाधिक है नहीं, और उपयोग में क्रोधाधिक कभी प्रवेश भी, ज्ञान ज्ञान रूप है, राग राग रूप है, ज्ञान कभी राग रूप नहीं होता, राग कभी ज्ञान रूप नहीं होता। जड़ जड़ रूप रहता है, चेतन चेतन रूप रहता है, चेतन कभी जड़ नहीं होता, जड़ कभी चेतन नहीं होता। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के दूसरे द्रव्य रूप होना अशक्य है, एक द्रव्य के परिणाम का दूसरे द्रव्य के द्वारा भोगा जाना भाया जाना अशक्य है। अचलित वस्तु के स्वभाव की मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अशक्य है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, एक कारक लिखाना, इसमें सारे कारक लगाना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं है, एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु नहीं है, एक वस्तु में से दूसरी वस्तु नहीं आती, एक वस्तु का आधार दूसरी वस्तु नहीं, एक वस्तु दूसरी का कर्ता नहीं, एक वस्तु दूसरी का कर्म नहीं। स्थूल रूप से तो हम कह रहे शरीर हम नहीं है, लेकिन शरीर हम नहीं है, शरीर के लिए हम नहीं है, ये सोचो। अभी आपको बुलाया और आपसे कहें, देखो साहब आप आ गए तो एक काम करना, सवेरे से यहाँ झाड़ू लगा देना और जरा पानी भर देना उसमें, कोई कहेगा भी नहीं आपसे। लेकिन मान लो कोई कहने लगे, पाप का उदय कहलवा, चाहे कुछ भी कहलवा सकता है, पुण्य का उदय चाहे कुछ भी कहलवाता है, ये सब यश और अपयश अपने वर्तमान के कार्य के अनुसार नहीं, पूर्व पुण्य के और पाप के उदय अनुसार मिलते हैं। ये सब पुण्य उदय जबरन प्रशंसा करवाता है, पाप उदय जबरन निंदा करवाता है, इसलिए किसी दूसरे का दोष मत देखना, ये हमारे लिए नहीं है, माने हम इनको सुनकर के दुखी हो गए हर्षित हो गए, इसके लिए ये नहीं है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, ये हमारी निंदा नहीं है, ये हमारी प्रशंसा नहीं है। जीवन में कदम कदम पर भेद ज्ञान, भेद ज्ञान करते ही तो बढ़ना है, और बढ़ना क्या है। कभी मत सोचना उपयोग मलिन होता ही नहीं है, कैसे हो जाएगा उपयोग मलिन, अगर उपयोग मलिन हो जाए तो उसे जाने कौन मलिन हो। परमार्थ से देखना, 14वीं गाथा की टीका में आचार्य महाराज ने, अमृतचंद स्वामी ने स्वभाव को दर्शाया, अवध स्पर्श स्वभाव, और देखने की तरीका भी बताया, स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए, इशारा कर देना इधर से, कमलनी पत्र जल में नहीं है, जल में नहीं है तो क्या पत्थर पे होते, ऐसा उधर जाने वाला सुनने का पात्र नहीं है। सच पूछो तो कमलनी पत्र जल में नहीं है, जल से अवध स्पष्ट है, इस बात को जब कहा जाए तो प्रभु कैसे समझा जाए, कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखा।
हमने अपनी आंखों से देखा है, कमल नहीं कहाँ जल में ही तो है, और ऊपर से पानी पड़ रहा था तो बूंदे उसके ऊपर उसकी। आप कहते हैं कमल नहीं पत्र जल से अवध स्पष्ट है, हमने आंखों से देखा। अरे ये तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तुम्हारी आंखें नहीं है, आंखों से देखा था। स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए कमल नहीं पत्र के, इस कपड़े पर बूंद पड़े तो टोक जाए, कमल नहीं पत्र पर बूंद पड़े तो स्वभाव के समीप जाकर देखा जाए कि कपड़ा सूख गया वो नहीं सूखा कमल नहीं पत्र। ऐसे यहां पर भाई उपयोग को स्वभाव को देखा जाए, उपयोग है क्या चीज, तब समझ में आएगी उपयोग में ये मलिनता नहीं आ रही। सच पूछो मिथ्या तो मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या चारित्र होता है, लेकिन मिथ्या आत्मा नहीं होता। होता है कहीं पढ़ा सुना है, नहीं होता। और आत्मा भी मिथ्या हो जाए तो मिथ्या को मिथ्या मानना तो सम्यक हो जाएगा, पर पदार्थ यदि अपने हो जाए तो पर पदार्थ को अपना मानना सम्यक दर्शन हो जाएगा, मिथ्या दर्शन नहीं रहेगा। चलो कुछ भी होता हो पर पदार्थ अपने माने और अपने हो जाए तो सुखी तो हो ही जाएंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति हो गई तो सुखी होंगे कि नहीं, कि नहीं हो पाएंगे भैया, उसमें बहुत खतरा है। आप पर पदार्थ को अपना मानेंगे, आपको कोई दूसरा अपना मानेगा कि नहीं मानेगा, वो अपने अनुसार परिणमाएगा, तब आप क्या करोगे हैं? बहुत खतरा है। ये बहुत अच्छी बात है, सुंदर व्यवस्था है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता, सुखी नहीं कर सकता। ये बहुत खराब लगता है, खराब लगता है। अगर कोई सुखी करता होता तो वो जरा सी देर में तुम्हें दुखी भी कर देता, लेकिन कितनी अच्छी बात है, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता और हम अपने आश्रय से सुखी होते सकते हैं और रह सकते हैं अनंत काल तक। कोई हमें सुखी करे ऐसी गरज नहीं है हमें, और कोई हमें दुखी कर सकता नहीं। देखो कितना मुक्ति का द्वार खुला, स्वाधीनता आ गई हमारे पास, दुखी तो हमें चाह नहीं है तो कोई दुखी नहीं कर सकता, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हमें सुखी होना है तो कोई सुखी नहीं कर सकता, तो कोई सुखी नहीं कर सकता इसकी हमें गरज नहीं, क्योंकि हमारा सुख हमारे में है ही। समझ में आया? तो इसलिए ये बात भली प्रकार से स्वभाव की ओर से समझा जाए, उपयोग में क्रोधाधिक नहीं होते, क्रोधाधिक को और उपयोग को एक में एक मिला करके अनुभव करता है, ऐसे जीव के क्रोधाधिक भाव मिटते नहीं। और जब ये अपने को अकेला उपयोग रूप अनुभव करता है तब ये क्रोधाधिक भाव होते नहीं, और जब क्रोधाधिक भाव नहीं होती तो आश्रम निरोध संवर संवर भाव प्रकट होता है। उपयोग में उपयोग रूप अनुभव ना, उपयोग में उपयोग रूप अनुभव ना, अर्थात अपने को चित स्वरूप देख अनुभव ना, यही संवर का स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेश्वर। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी।